माननीय विधायक बलरामपुर सदर ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। सीएमओ सहित अधिकारी रहे उपस्थित। प्रदेश महिला उपाध्यक्ष स्मृति कुमारी ने दिया ज्ञापन। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बलरामपुर द्वारा प्रदेश महिला उपाध्यक्ष स्मृति कुमारी ने ज्ञापन दिया। विधायक बलरामपुर सदर पट्टू राम को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया, सीएचसी व पीएचसी के अंतर्गत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत सभी प्रार्थी गण ने मार्च 2022 से आज तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर को 2-3 बार अवगत कराया गया भुगतान के संबंध में, लेकिन भुगतान नहीं किया गया, जिसमें 1,30,922 से ब्लॉक स्तर पर कार्य बहिष्कार टोकन के रूप में किया गया। सदर विधायक बलरामपुर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप लोग अपना बहिष्कार खत्म कर दीजिए और अपना अपना काम करिए, हम शासन से आपके विषय में बात करेंगे और आपका भुगतान जल्दी करवाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पे बलरामपुर में तैनात हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें कितनी दिक्कतें हैं, पीबीआई की प्रोत्साहन राशि जो होती 15,000, वो हमारी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा है। 20,500 सैलरी प्लस 15,000 पीबीआई है, जो कि हमें शुरू 6 माह से भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है समस्त सीएचओ को। हमने पूर्व में मुंह बंद करके बैठे रहे, प्यार से बोलते रहे, सर प्लीज़ दे दीजिए, लेकिन भुगतान नहीं है। उसके उपरांत हम 15 सितंबर को सीएमओ सर को एक ज्ञापन दिया हमने कि सर हमारा भुगतान कराने का कृपा करें और इसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करके। लेकिन फिर भी सुनवाई न होने के बाद 27 तारीख को एक रिमाइंडर ज्ञापन हमने सीएमओ सर को दिया। उस दिन का भी असंतोषजनक जवाब रहा सर का, तो हम 29 तारीख को जिला अधिकारी महोदय के पास पहुँचे। जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी प्रार्थना पत्र लेकर के पहुँचे कि हमें पीबीआई की दिक्कतें हमें 7 महीने से नहीं मिल रही है, तो सर इसका प्लीज़ भुगतान करवाइए। तो सर तो थोड़ा नाराज़गी जताया उन्होंने कि आपके उच्च अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि सीएचओ कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप जाइए काम करिए। दिक्कत यहाँ आ रही है कि ये समस्त सीएचओ कोरोना टाइम में दिन रात जान पे खेल करके, जब कोई घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं था, इन्होंने अपनी जान पे खेल करके जनता की सेवा करी है। और आज जब हमारे मान सम्मान की बात है, हमारे पैसे की बात है, तो कोई भी उच्च अधिकारी या शासन क्यों हमारा साथ नहीं दे रहा। आपको वेतन कितने महीने से नहीं मिला? वेतन मिला है, वेतन 20,500 मिल रहा है। पीबीआई जो हमारा वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा है, 47% जो हमारा वेतन का हिस्सा है प्रोत्साहन राशि, वो हमारे नहीं मिली है। कितने महीने? 6 महीने से। 6 महीने से आपको नहीं जी, इसके लिए आप लोगों ने विधायक जी भी 9 महीने से नहीं, कई ब्लॉकों में नहीं, हमने विधायक जी को आज ज्ञापन दिया है। कल भी पूरे दिन हम धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, लेकिन हमारे सीएमओ सर बाहर निकल कर बात करना नहीं आए। वो हमें कैबिन में बुला रहे थे, परंतु कैबिन में हम इतने सारे 152 सीएचओ अंदर नहीं आ सकते। हमने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज़ आप बाहर आकर, क्योंकि सारे बच्चे आपकी बात सुनना चाहते हैं, बाहर आकर के बात करिए। फिर उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी, हमारी मांगे भी नहीं सुनी। और फिर इसका पश्चात हमका इसका रिजल्ट है कि आज फिर हमें धरना पे सुबह से बैठना पड़ा है। दो दिन से कल भी था और आज भी है। आश्वासन विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि आप लोग एक ज्ञापन लिख करके दीजिए हमें, जो भी दिक्कतें हैं पीजीआई की, और वो उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं उनके पास वो मेल करेंगे और उसको दिक्कतों को दूर करने का, परेशानियों को दूर करने का, पीजीआई दिलवाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।